नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तीनों सेना के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 12 वीर जवानों के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त होने की सूचना पर निरसा गुरु सिंह सभा प्रांगण में भारत स्वाभिमान न्यास और पतंजलि की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता रविन्द्र प्रधान और संचालन मधुरेंद्र गोस्वामी ने किया। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित भारत स्वाभिमान न्यास के जिला संयोजक मनजीत सिंह ने कहा कि जनरल विपिन रावत का इस प्रकार से हम सभी के बीच से जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। आज पूरा देश इस मार्मिक घटना से दुखी है। उन्होंने ईश्वर से जनरल विपिन रावत और अन्य जवानों की आत्मा को शांति प्रदान करें और देश को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी कामना की। ये घटना बड़ा ही दुखदाई है और पूरे देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से सेना प्रमुख बिपिन रावत जी, रणनीतिकार, बहुत ज़्यादा सेना को मनोबल को बढ़ा के रख रहे थे, हमारे बीच से चले जाना, उनके साथ और 13 जवान चले जाने, तो बहुत ही दुखदाई है। इस दुख की घड़ी में हम लोग भगवान से प्रार्थना करने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा भारत स्वाभिमान न्यास और पतंजलि के द्वारा यहाँ पर निरसा गुरुद्वारा प्रांगण में किए हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जहाँ भी रहे भगवान अपने पास रखे और देशवासियों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे कि हम लोग ये दुख सहन कर सकें। और बहुत दुख की घड़ी है, इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है। बहुत बहुत श्रद्धांजलि उनको। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।